देन आर टू आर लैडर मेथड है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वायबल सॉल्यूशन है और मोस्टली इस सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमने बस वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज की हुई है कि जो अटैचमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज है उनकी वैल्यू को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे अगेन आप उसी तरह देख सकते हैं कि एक वी रेफ है और एक ग्राउंड है, और यहाँ पे हमारे पास उसी बाइनरी बिट के अकॉर्डिंगली स्विचेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 1-0 का सिग्नल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोई एक सर्किट कंप्लीट होगा, और आगे उसी तरह ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू हमें आउटपुट पे वैल्यू मिलेंगी। अब ये हमारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा वायबल सॉल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसके बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास आरडू और लैडर मेथड है, ये इसमें सिर्फ दो टाइप के रजिस्टर यूज़ हुए हैं, आर एंड टू आर। तो कंपैरेटिवली इसको मैनेज करना और डिज़ाइन करना इजीयर है, और ये इजीली स्केलेबल है फॉर द नंबर ऑफ बिट्स। आप जितनी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको आर और टू आर वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये कंपैरेटिवली आपने अगर इस सर्किट को देखा हो तो एक लैडर में लगे हुए हैं, तो आपको इसको एक्सपैंड करना कंपैरेटिवली ईजी है। इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स, आपको इसी सीक्वेंस के अंदर आप और रजिस्टर आर और टू आर की कन्फिग्रेशन से इंक्रीज करते जाएंगे, और इसकी आउटपुट इम्पीडेंस इज ऑलवेज आर। तो ये कंपैरेटिवली इन बेनिफिट्स की वजह से ज़्यादा वायबल सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, और इसको ये सिंपलर है इम्प्लीमेंट करना भी।